घर आई बंगाली बहू। सेजल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और पंकज एक गुजराती लड़का था। पंकज को सेजल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों को पहली बार में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना ही लिया और फिर बड़ी ही धूमधाम से पंकज और सेजल की शादी हो गई। पंकज की माँ सुनीता बहू लाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन सेजल बंगाली थी, बस यही बात सुनीता को अच्छी नहीं लग रही थी। सेजल भी एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन तुम्हें हमारे गुजराती रीति रिवाज भी सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मछली खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने सेजल को पहले ही कह दिया था कि हमारे घर पर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना खाया जाता है। इस बात से इसे कोई एतराज नहीं है। ये तो अच्छी बात है। पंकज की ये बात सुनकर सेजल कमरे में आती है और पंकज से कहती है, पंकज तुम्हें तो पता ही है मछली और चावल मेरा पसंदीदा खाना है, और अब तुम ही बताओ मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी। आज सुबह नाश्ते में भी मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा, वही ढोकला थेपला, कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना। सेजल, तुम ये बात जानती हो कि हम दोनों की शादी हमारी सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं तो तालमेल बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। पंकज ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को सुनीता सेजल से कहती है, सेजल मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी होगी, और हाँ, तुम्हें खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। सेजल सोचती है, मैं ये सब कैसे करूँगी, मैंने तो कभी प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं है। कोई बात नहीं, पहले इनकी बात सुनती हूँ, फिर कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करूँगी। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं प्रसाद वाली खिचड़ी बना दूंगी। उसके बाद सेजल अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटी, और बता कैसे फोन कर लिया आज। माँ, सासू माँ कह रही है कि मुझे प्रसाद वाली खिचड़ी बनानी है, जो मैंने कभी नहीं बनाई। अरे तो चिंता क्यों कर रही है, मेरी सहेली तुलसी भी गुजराती है, मैं उसे पूछकर तेरे को सब कुछ बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उसे फोन पर बात कर लेना। ठीक है, आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। उसके बाद सेजल अपनी मम्मी से तुलसी का नंबर ले लेती है और तुलसी को फोन करके जितना हो सकता है उसे खिचड़ी बनाने के बारे में पूछ लेती है, पर करना तो सेजल को खुद से था। सेजल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है। माँ जी बस बनने ही वाली है। ठीक है, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। सुनीता रसोई से बाहर आ जाती है, तभी कुछ मेहमानों में से एक औरत कहती है, सुनीता जी सेजल कहीं नजर नहीं आ रही। जी वो आप लोगों के लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। सुनीता बहन, आखिर तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, बहू को गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लो आ गई आपकी बहू। लीजिए माँ, खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। सेजल एक एक करके प्लेट में से सबको खिचड़ी देती है। अरे बहू, खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, तुमने प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। तभी सेजल सोचती है, यूट्यूब पर बिल्कुल सही दिखाया था, हींग की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। थैंक यू तुलसी आंटी। सब मेहमान खिचड़ी का प्रसाद खाकर खुशी से अपने अपने घर चले गए, पर सुनीता अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है तुमने अपनी माँ की सहेली और यूट्यूब से देखकर खिचड़ी बनानी सीखी है, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज है जिन पर ध्यान देने की और भी जरूरत है, और खिचड़ी बनाने से कोई तुम गुजराती नहीं बन गई हो। सुनीता की बात सुनकर सेजल बहुत दुखी हो जाती है और कमरे में आ जाती है। तभी पंकज भी आ जाता है। पंकज सेजल को उदास देख कहता है, अरे सेजल, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ, वो भी बंगाली रेस्टोरेंट से।
नहीं नहीं, हम बाजार का क्यों खाएं? तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी खाओ ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा घी भी डाल देना। सुनीता और सेजल का व्यवहार इसी तरह से चल रहा था। सुनीता के मन में सेजल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी चल रहा था। ऐसे ही एक दिन दोपहर में सेजल पापड़ और अचार धूप में सुखा रही थी, तभी सुनीता की पड़ोसन मंजू सुनीता के पास घबराई हुई आती है। सुनीता बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी अंजू जिससे प्यार करती है, वो लड़का आज अपने माता पिता को लेकर घर आ रहा है। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि लड़का बंगाली है और लड़के वालों ने बोला है कि वो सिर्फ बंगाली खाना ही खाते हैं और हमें बंगाली खाना बनाना नहीं आता। और लड़के ने कुछ पसंद की चीज भी बताई है जो उसके परिवार के लिए बनानी है। खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और अंजू को भी बंगाली साड़ी पहनकर ही तैयार होना है। तभी वहां पर सेजल आ जाती है और कहती है, आंटी जी मैं आपकी कोई मदद करूं? देख नहीं रही हो मंजू कितनी परेशान है, तुम क्या मदद करोगी? अरे हाँ सुनीता बहन, आपकी बहू भी तो बंगाली है। सेजल बहू, तुम्हें बंगाली रीति रिवाज तो पता ही होंगे, क्या तुम मेरी बेटी को तैयार कर दोगी और सारे खाने पीने की चीज बना दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर अंजू मेरी बहन जैसी है। उसके बाद सेजल मंजू के घर जाती है और मंजू की बेटी अंजू को बंगाली स्टाइल में तैयार कर देती है और तरह तरह का खाना भी बना देती है। मंजू लड़के वालों को सेजल से मिलवाती है। अंजू की सगाई बहुत अच्छे से हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद मंजू सेजल से कहती है, बेटी आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू बेटा। आंटी जी थैंक यू की क्या बात है, अंजू मेरी बहन जैसी है। सुनीता तुम्हारी बहू सच में बहुत ज्यादा गुणी है, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। सेजल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। तुम सही कह रही हो मंजू, मैं इस कोहिनूर को पहचान ही नहीं पाई। सेजल आज तुमने सही में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसा कहकर सुनीता सेजल को गले से लगा लेती है। उसके बाद सुनीता और सेजल के बीच कभी कोई मुठभेड़ नहीं होती। वो सब देखकर पंकज भी बहुत खुश होता है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। समुद्र किनारे बसे मुंबई शहर के एक आलीशान घर में दो बहनें रंगोली और दीपा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनके पिता मुकेश कुमार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ सुगंधा हाउसवाइफ थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से भरी उनकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन शॉपिंग करके लौटते समय सुगंधा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक इस तरह माँ सुगंधा की मृत्यु से दोनों मासूम बहनें रंगोली और दीपा अक्सर रोती रहती। वहीं उनके पिता मुकेश भी अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु से अंदर ही अंदर काफी टूट गए, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की खातिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। अब मुकेश के ऊपर दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसे घर और बिजनेस एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अक्सर अपने स्वर्गवासी पत्नी सुगंधा की याद और घर की चिंता में शराब पीने लगा। एक दिन की बात है, मुकेश की मौसी कल्याणी उससे मिलने आई और बोली, बेटा होने को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। तुम अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारी दो बेटियां भी तो है, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। मेरी मानो तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी और तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभाल पाओगे। मौसी के बार बार समझाने पर मुकेश दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और अंगूरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अंगूरी बहुत चालाक और लालची औरत थी। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुकेश से शादी की थी। उसे ना तो मुकेश से कोई लगाव था, ना ही उसकी दोनों बेटियों से। वो बस उनके संग प्यार का ढोंग किया करती थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया और फिर एक दिन,
अच्छा अंगूरी, मैं 2-4 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम रंगोली और दीपा बिटिया का ध्यान रखना। आप कितना काम करते हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको, सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है। अरे मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आखिरकार मुझे अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश अपना बैग लेकर वहाँ से चला गया। ये देख अंगूरी मन ही मन बोली, जब देखो अपनी बेटियों की माला जपता रहता है, इसके सिवाय से कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी मेहनत करनी है कर ले, आगे वक्त ही बताएगा कि तेरी दोनों बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, तेरी दौलत या फिर दर दर के ठोकरे। मैं तेरी दोनों बेटियों का क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए अंगूरी हंसने लगी। तभी रंगोली और दीपा उनके पास आई और बोली, माँ हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो ना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या जो तुझे खाना निकाल कर दूँ? तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ आपको ये क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारे बाप से मैंने शादी कर ली, तुम सबने मिलकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, समझी? जाओ तुम दोनों, यहाँ खड़ी क्यों हो, मुझे 1 घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई चाहिए, और हाँ मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय भी बना कर लाओ। बिचारी रंगोली और दीपा अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई। दोनों डरी सहमी घर का काम करने लगी। दीदी माँ को क्या हो गया है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता दीपा, लेकिन हमें पिताजी के आने तक माँ की सारी बात माननी होगी। उसके बाद रंगोली अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले गई और बोली, माँ ये लीजिए आपकी चाय। अंगूरी चाय पीते हुए गुस्से से बोली, छी कितनी गंदी चाय बनाई है, कड़म जली ये चाय तो कड़वी है, दूर हो जा मेरी नजरों से, सत्यानाश होते रहा, मेरे मुँह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, अब मेरा मुँह क्या देख रही है, जाकर झूठे बर्तन साफ कर। इस तरह अंगूरी दोनों बहनों पर दिन रात अत्याचार करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। और मुकेश भी अब घर वापस लौट आया और अपने दोनों बेटियों को नौकरानी की तरह घर का काम करते देख गुस्से से लाल होते हुए बोला, अंगूरी कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चियों से घर का काम करवाने की, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आवाज नीचे करके बात करो, कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़े। ये बात सुन मुकेश गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी मुकेश का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं, लेकिन अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये घर मेरा है। ये घर और प्रॉपर्टी पहले तुम्हारी थी, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने बाहर जाने से 1 दिन पहले नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं। इतना बड़ा धोखा, फिर भी औरत तूने मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मुकेश गुस्से से अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी ने जोर से धक्का देकर मुकेश को जमीन पर गिरा दिया। ये देख रंगोली और दीपा अपने पिता को संभालते हुए बोली, पिताजी आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बिटिया, चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं और रहने की कोई जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर मुकेश अपनी दोनों बेटियों के संग यहाँ वहाँ भटकने लगा, लेकिन मुकेश घर और प्रॉपर्टी छिन जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक चलते चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान जी आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया, ना ही आप उन्हें बुलाते, ना ही सौतेली माँ आती और ना ही हमारी ये हालत होती, और तो और पिताजी को भी आपने हमसे छीन लिया, हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है,
हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? जैसे आपने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया, वैसे ही हमें भी अपने पास बुला लो। ये कहते हुए रंगोली अपनी छोटी बहन दीपा के साथ घने जंगल के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी। ये देख रंगोली बोली, अरे बीच में ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है, लगता है हमें इसे सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? डरो नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रंगोली अपनी बहन दीपा के संग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों की दुनिया में पहुंच गई। तभी उन्हें वहां तीन जादुई फ्रॉग घर दिखाई दिए, जिसे देख दीपा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, यहां तो तीन फ्रॉग घर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तभी पहले जादुई फ्रॉग घर से आवाज आई, रंगोली और दीपा तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो। इतने में दूसरे जादुई फ्रॉग घर में से आवाज आई, नहीं नहीं दीपा और रंगोली, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात दूंगी जिसे पाकर तुम अपनी जिंदगी एक महारानी की तरह जी सकती हो। सोच क्या रही हो, जल्दी आओ। फिर तीसरे जादुई फ्रॉग घर में से आवाज आई, रंगोली और दीपा तुम्हें मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, जो बरसों से बहुत बीमार है और वो ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हैं जो उनकी सेवा कर सके, तो तुम मेरे घर में आ जाओ ना और बूढ़ी अम्मा की मदद करो। तीनों जादुई फ्रॉग घर की बात सुन दोनों बहनें सोच में पड़ गई, फिर बोली, ये जादुई तीसरे फ्रॉग घर, मैं आपके घर में आना चाहती हूँ क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और माँ से बढ़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात का कोई मोल नहीं, इसलिए हम आपके घर में आएंगे और बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इतना कहकर रंगोली और दीपा खुशी खुशी जादुई तीसरे फ्रॉग घर में चली गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहनें चौंक गई क्योंकि घर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये देख रंगोली बोली, हे जादुई फ्रॉग घर, आपने तो कहा था यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, लेकिन यहाँ तो सोना चांदी हीरे जवाहरात है, पर बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप उन्हें बुला दीजिए ना, हम उनकी सेवा करेंगे। आप देखना, हम उनकी इतनी अच्छी सेवा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और बोली, ये तीनों जादुई फ्रॉग घर मेरे हैं, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल रही, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये जादुई फ्रॉग का घर अब से तुम्हारा हुआ। जादुई फ्रॉग घर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रंगोली और दीपा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई फ्रॉग घर को लेकर वापस पृथ्वी लोक लौट आई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो दोनों जादुई फ्रॉग घर में हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रंगोली और दीपा अपनी कार से उतरकर जूस पी रहे थे, तभी उसी रास्ते से जा रही अंगूरी ने उन्हें देख लिया। अरे ये दोनों मनुष्य यहाँ क्या कर रही है, और इनके पास इतनी बड़ी कार, महंगे महंगे कपड़े आए कहाँ से? आखिर इतने सारे पैसे इनके पास आए कहाँ से? मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद अंगूरी उनका पीछा करने लगी और उन दोनों बहनों को जादुई फ्रॉग घर के अंदर जाते हुए देख लिया, फिर चोरी छिपे खिड़की से अंदर झांकने लगी। तभी रंगोली जादुई फ्रॉग घर से बोली, हे जादुई फ्रॉग घर, आज हम बाहर घूमने गए थे तो हमने देखा हमारे जैसे लाचार और अनाथ बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे, हमें उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। रंगोली के इतना कहते ही जादुई फ्रॉग घर से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। खिड़की से ये सब देख रही अंगूरी का मुंह खुला का खुला रह गया।
अच्छा, तो ये सब इस जादुई फ्रॉक घर का कमाल है। इस जादुई फ्रॉक घर को मुझे अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद रंगोली और दीपा के बाहर जाते ही अंगूरी ने जैसे ही उस जादुई फ्रॉक घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तब जादुई फ्रॉक घर ने अपनी शक्ति से अंगूरी को बंदरिया बना दिया और वो सदा के लिए जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह अंगूरी को उसके लालच और करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर रंगोली और दीपा हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में अपना जीवन बिताने लगी।